हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल GMB स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो हमारा प्रश्न दिया है, यदि 4a माइनस 5b बट्टे 4a प्लस 5b बराबर 1/6 हो तो ये अनुपात b का हमें मान निकालना है। तो इसमें देखेंगे कि किसका मान पूछ रहा है, a अनुपात और b का। तो यहाँ क्या दिया है, 4a माइनस के 5b बट्टे 4a प्लस 5b बराबर क्या दिया, 1/6। तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं। तो 6 का गुणा किस में आ जाएगा, इसमें हो जाएगा, और 1 का गुणा इसमें आ जाएगा। तो 4a माइनस के 5b इसमें गुणा करेंगे हम 6 का, और 4a प्लस के 5b इसमें गुणा करेंगे हम 1 का। तो पहले 6 का गुणा कर लेते हैं। तो 6 चौक 24, ए माइनस के और 56 30 बी बराबर, कोई भी संख्या हो उसको गुणा 1 से करेंगे तो संख्या 1 ही हो जाएगी। तो 4 ए प्लस के 5 बी, अब बी वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे और ए वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे। तो 24 ए 4 ए इस तरफ लाएं तो माइनस के 4 ए बराबर क्या बचा है, 5 बी। तो माइनस के 5 30 को उस तरफ लाएं तो प्लस के आएंगे, तो प्लस के 30 बी। अब 24 ए में से 4 ए गया तो कितना बचेगा, 20 ए बराबर 5 बी और 30 बी कितने आएंगे, 35 बी। तो ये हमेशा ए का मान होता है, जी किसका मान होगा, बी का। तो ए का मान क्या निकल गया है, 35, और बी का मान कितना निकल गया है, 20। तो किसका मान पूछ रहा है, ए अनुपात बी यह पूछ रहा है, तो इनको रख देंगे। तो ए का मान क्या है, 35, और बी का मान क्या है, 20। अगर ये संख्या किसी एक ही संख्या से कट रही तो इनको काट सकते हैं। जैसे 35 को 5 से काटें तो 7 बार, और 20 को 5 से काटें तो 4 बार। तो 7:4 हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि x 5 बराबर y 8 हो तो x प्लस 5 कोष्टक में x प्लस 5 अनुपात कोष्टक में बाई प्लस 8, हमें ये ज्ञात करना है। तो इसमें पहले हम x और y के मान निकाल लेते हैं। तो x का मान क्या दिया है यहाँ, 5, तो x बराबर 5, और इसमें देखें y का मान क्या दिया है, 8, तो y बराबर 8। और क्या पूछ रहा है, x प्लस 5 कोष्टक बंद और y प्लस 8। तो x का मान क्या है, 5, तो यहाँ 5 प्लस 5 कोष्टक बंद अनुपात, बाई का मान क्या है, 8, तो 8 प्लस 8। अब इनको जोड़ दें, 5 5 कितने आएंगे, 10, 8 8 कितने आएंगे, 16। तो ये संख्या 2 से काटेंगे तो 10 को कितनी बार कट रही, 5 बार, और 16 को 10 2 से काटें तो कितनी बार कट रही, 8 बार। तो हमारा आंसर आया है 5:8, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है, यदि x/y बराबर 7:3 हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, इसका हमें मान निकालना है। तो पहले हम सबसे पहले हम एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, x/y और बराबर क्या दिया है, 7:3। तो इसको हम क्या लिख देंगे, x/y बराबर, इसको हम क्या लिख देंगे, 7:3। तो एक किसका मान है, एक्स का, एक किसका मान है, वाई का। तो एक्स का मान क्या है, 7, और वाई का मान क्या है, 3। तो यहाँ इसको रख देंगे, तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 7, वाई की जगह पे 3 प्लस, और वाई का मान क्या है, 3, इस पे क्या लगा देंगे, वर्ग। और एक्स का मान क्या है, 7, इस पे वर्ग लगा देंगे, माइनस वाई का मान क्या है, 3, इस पे भी वर्ग लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 3 से गुणा करें, 7 21 प्लस, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 माइनस, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9।
तो 21 और 9 कितने जाएंगे, 30, और 49 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 40। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो संख्या क्या आएगी हमारी, 3/4। तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3:4। तो ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।